जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में सीआरपीएफ काफले पर हुए दहशतगर्दाना हमले में मुल्क के 40 जांबाज जवान जांबहक हो गए। मुल्क पर कुर्बान होने वालों में इन 40 बहादुर जवानों में 2 जवान सूबे बिहार के भी थे। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे बिहार के इन 2 जांबाज जवानों पर फख्र है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक वजीर आजम ने यह फैसला किया था कि मरकजी वजरा इलाकों में जाए और जवानों के आखिरी रसूमात में शरीक हों। उन्होंने कहा कि मुझे बिहार के उन 2 बाज जवानों पर नाज है और मुल्क के 40 बहादुर जवानों पर फख्र है। मरकजी वजीर कानून ने यह वाजे कर दिया कि हिंदुस्तान दहशतगर्दों के सामने सरनगु नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रधानमंत्री का निर्णय था कि सभी केंद्रीय मंत्री क्षेत्रों में जाए, उनके अंतिम संस्कार में रहें, तो मैं तमिलनाडु में था, वहाँ से मैं रात में लौटा और आज यहाँ पहुँचा हूँ सुबह सुबह। मुझे गर्व है बिहार के इन दोनों सपूत पर, सीआरपीएफ के, और गर्व है 40 जवानों पर सीआरपीएफ के। पूरा देश बुलंदी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आतंकवाद के सामने हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। वो जितना भी कर लें, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे और आतंकवाद और उनके प्रश्न देने वालों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। राजनाथ जी ने इस पर टिप्पणी कर दी है, सुरक्षा लेना और देश में अलगाव की आग लगाना, ये दोनों नहीं चलेगा। उचित स्तर पर सरकार इसका फैसला करेगी। लेकिन आज जो देश में गुस्सा है, तो पूरा देश बुलंदी के साथ इन शहीदों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक प्रभावी कार्रवाई करते